गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। लास्ट वीडियो में हमने स्विच के बारे में अच्छे से समझा था और लूप्स के बारे में एक ओवरव्यू देखा था। आज हम लूप्स में डिटेल से देखेंगे और प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें फ्लो डायग्राम है व्हाइल लूप का। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये कंडीशन चेक होती है व्हाइल लूप में। कंडीशन चेक होगी यहाँ पर, ये डायमंड शेप बनती है कंडीशन के लिए। उसके बाद में अगर कंडीशन ट्रू है तब यहाँ पर जो कोड है ब्लॉक रहेगा, एक कोड का एक स्टेटमेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ये एग्जीक्यूट होगा और फिर वापस कंडीशन के बस में जाएगा। यहाँ पर बीच में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना है यहाँ पर वो करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से व्हाइल लूप काम करता है। अब यहाँ पर एक वेबसाइट है tutorialspoint.com, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और यहाँ पर जाके आप आसानी से अपने मोबाइल पर भी, क्योंकि आप सभी अभी घर पर हैं और कंप्यूटर हो सकता है सबके पास अवेलेबल नहीं हो, तो आप इस वेबसाइट पर जाके यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन ही आप प्रोग्राम को रन करा के देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको ये प्रोग्राम दिख रहा है, एस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग ई नेम स्पेस एसटीडी आईएनटी मेन, या आईएनटी मेन, ये फंक्शन तो हमेशा होता ही है। उसके बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल का नाम क्या है, स्मॉल ए। किस टाइप का है, इंट, और इसमें वैल्यू कितनी डाली है, 10। और ये जो लाइन लिखी हुई है वो क्या है, कमेंट। ये जो प्रोग्राम पढ़ेगा, जैसे अपन पढ़ रहे हैं इस टाइम पर, तो अपने समझने के लिए, ये कंप्यूटर के लिए नहीं है। फिर नीचे व्हाइल लूप, व्हाइल लूप के ऊपर भी हमने कमेंट लिखा है, व्हाइल लूप एग्जीक्यूशन समझाने के लिए। तो यहाँ पर व्हाइल लूप के अंदर हमने कंडीशन क्या दी है, यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन 20, ए 20 से छोटा होगा तब ये जो कर्ली ब्रेसेज है ये यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ तक। तो ये जो कोड है यहाँ वाला, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ए क्या छोटा है 20 से, बिल्कुल ए 20 से छोटा है, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, 10। तो वैल्यू ऑफ ए ऐसा लिखा हुआ प्रिंट होगा, क्योंकि डबल कोट्स में लिखा हुआ है। और फिर जैसे कि मैंने बताया था, एक बार ही सी आउट यूज़ किया है, फिर कैस्केडिंग कर दी हमने, लेस देन और फिर ए की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ ए कोलन और फिर ए की वैल्यू कितनी है, 10, वो प्रिंट हो जाएगी। फिर ए प्लस प्लस नीचे हमने कर दिया है, हमने ए प्लस प्लस कर दिया, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 11। अब क्या हो रहा था, 11 उनके बाद में वापस यहाँ पर जा रहा था, फिर वापस कंडीशन चेक हुई, तो 11 भी 20 से छोटा है तो वापस 11 प्रिंट हो जाएगा। फिर ए प्लस प्लस 12 हो गया। तो ये इस तरह से घूमता जाएगा। अच्छा, ये कहाँ तक घूमेगा, ए की वैल्यू 10 से लेके 11 तक चलती जाएगी, चलती जाएगी, ये 19 तक प्रिंट हो गया, कि 19 मैच हुआ, 19 छोटा है 20 से, ठीक है, तो 19 प्रिंट हो गया। फिर ए प्लस प्लस 20 हो गया। अब 20 को कंपेयर करेंगे, क्या 20 छोटा है 20 से, नहीं, बराबर है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स, यहाँ जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, क्योंकि 20 इज नॉट लेस देन 20, तो ये व्हाइल से बाहर निकल जाएगा और ये रिटर्न जीरो कर देगा। रिटर्न जीरो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने मेन का यहाँ इंट लिया रिटर्न टाइप, अगर यहाँ वॉइड लिखते तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ये 10 से लेके 19 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट का ऑप्शन है, तो ये हमारा प्रोग्राम है और अब इसको देखते हैं, रन करवा के देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ से एग्जीक्यूट बटन प्रेस करेंगे, अब देखते हैं। जैसे हमने मैनुअली देखा था कि क्या आउटपुट आना चाहिए, वही आ रहा है। देखिए 10 से लेके 19 तक आ रहा है इसमें। तो जैसा कि मैंने बताया था,
बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आ रहा है। अब इसमें आप एडिट करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने जो कंडीशन ली है वो ए लेस देन 20 ली है। अब मान लीजिए हम कंडीशन को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कंडीशन ऐसी हो जाएगी ए लेस देन इक्वल टू 20 हो जाए, ए लेस देन इक्वल टू 20। अब इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, तो अभी आउटपुट क्या आया, जहाँ 10 से लेकर 19 तक आ रहा था अभी 20 तक आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये नई लाइन आ गई नीचे वाली, तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। पहले 20 तक आ रहा था, जैसे 20 हुई ए की वैल्यू तो ए लेस देन 20 यहाँ पर चेक हो रहा था, तो हमें पता है कि ए 20 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही, तो नीचे बाहर निकल रहा था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, मैं दोनों कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि ए या तो छोटा है 20 से या बराबर है, बराबर है तो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि और हो गया ना, और का मतलब या तो छोटा है या बराबर है, दोनों में से एक भी ट्रू हो जाएगी तो ट्रू हो जाएगी। तो छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, इसलिए कंडीशन ट्रू हो गई, तो वापस यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर ए प्लस प्लस 21 हो जाएगा, 21 वापस चेक करेंगे, 21 क्या हो रहा है, न तो छोटा है और ना ही बराबर है, तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बाहर निकल जाएगा, इसलिए 20 तक ये चलेगा। इसमें और भी आप मॉडिफिकेशन करके देख सकते हो। चलिए हम यहाँ पर करते हैं 20 की जगह अगर हम कर दें यहाँ पर 200 कर दें, तो देखते हैं क्या आएगा। ठीक है 200 कर देंगे, तो देखिए आउटपुट में नीचे देख सकते हैं ये पूरा 200 तक आ जाएगा, काउंटिंग 200 तक आ गया। तो इस तरह से हम काउंटिंग बड़ी ही आसानी से एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू लिख सकते हैं, जितना भी हम लिखना चाहें। आप काउंटिंग के अलावा इसमें टेबल भी लिख सकते हैं, आप कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है इसमें। जैसे आपको क्या करना है, सपोज आपको कितने की टेबल लिखना चाहते हो आप, देखिए ए को मैं स्टार्ट करूँगा 1 से और मैं इसको रखूँगा 10 तक। ठीक है, अब जितने की भी आपको टेबल प्रिंट करानी है आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए आपको 17 की करानी है, तो 17 स्टार ए, ये कर दिए। अब रन करा के देखते हैं, तो ये देखिए 17 की टेबल आ गई है, 17 का पाड़ा आ गया, या आप पूरा पाड़ा देख सकते हैं। ये तो हो गया कि हमने प्रोग्राम में फिक्स कर दिया कि 17 है। अब जैसा कि हम कैलकुलेटर वगैरह में देखते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है उसमें क्या होता है, यूज़र डिसाइड करता है कि मेरे को कितने की टेबल लिखनी है, तो उसमें क्या करते हैं सी इन हम करवा सकते हैं। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वाइल लूप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और वाइल के बाद में हम दूसरे जो लूप है, फॉर लूप है, वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर लूप। फॉर लूप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का ये सिंटेक्स होता है, इसी के अंदर तो इनिशियलाइजेशन होता है, इसी में कंडीशन हो जाती है, इसी में इंक्रीमेंट, तो यहाँ तो इनिशियलाइजेशन हो गया। इनिशियलाइज मान लो आई इक्वल टू 0 कर दिया या 1 कर दिया, जो भी करना है। फिर यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तब तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट वाला पार्ट होगा या डिक्रीमेंट, जो भी करना है, और वापस कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये बाहर निकल जाएगा। हम एक प्रोग्राम है उसको लाइव करके देखते हैं।
तो इस वेबसाइट पर हम प्रोग्राम का डेमो है उसको रन करके देख सकते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, पहली लाइन हो गई फाइल इंक्लूड करने की, दूसरी यूजिंग नेम स्पेस STD, जो STD स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है C++ की, उसको हम यूज़ करेंगे। INT मेन, ये तो हर प्रोग्राम में होता ही है, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। फिर हमने फॉर लूप, फॉर लूप में जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले क्या हुआ, INT A=10, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। फिर A < 20 हो गई कंडीशन, और फिर A = A+1 ये हो गया इंक्रीमेंट। फिर वैल्यू ऑफ ए, और ए को हमने प्रिंट करा दिया। तो अब आप कोशिश कीजिए कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। देखिए, ए की वैल्यू 10 है, तो सबसे पहले 10 को हम कंपेयर कर रहे हैं 20 से। तो 10 छोटा है क्या 20 से? बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा नीचे वाला। वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फिर ये इंक्रीमेंट हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी हुई, 11। 11 को वापस चेक किया, क्या 11 छोटा है 20 से? बिल्कुल छोटा है, तो ये 11 आ गया। बिल्कुल वैसा ही वाइल लूप में चेक करते हैं, वैसा ही चलता जाएगा। 19 और 20, 20 क्या छोटा है 20 से? नहीं है, ये गलत है। 10 to 19 तक ये प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए, ये 19 तक आ गया है। तो ये इस तरह से अपना, अब थोड़ी मोबाइल में दिक्कत हो सकती है इसको देखने में, क्योंकि मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ तो ये सही से दिख नहीं रहा है, और इसको पोर्ट्रेट मोड में रखूँगा तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी देखने में, ठीक है। लेकिन आप इस वेबसाइट पर जाके इसे रन करवा के देख सकते हैं। और बिल्कुल वाइल लूप में जैसे कंडीशन हमने चेंज की थी, वैसे अगर यहाँ भी हम कंडीशन चेंज करें, A < =, कर दें, तो जो 19 तक प्रिंट हो रहा था वो अब की बार 20 तक प्रिंट हो जाएगा। देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये नीचे वाली ये लाइन है वो एक्स्ट्रा आ गई है 20 वाली। तो ये इस तरह से फॉर लूप काम करता है। फॉर लूप के बाद में आता है डू वाइल लूप। तो मैं डू वाइल और वाइल के अंदर डिफरेंस आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक छोटा सा डिफरेंस है। वाइल लूप में क्या होता है, पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, या फॉर लूप दोनों में, वाइल और फॉर दोनों में हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तब हम जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, जो कोड है वो कोड है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं पहले, और कंडीशन बाद में चेक करते हैं, और फिर कंडीशन ट्रू होती है तो वापस करते हैं। इसका मतलब अगर सेम कोड हम लिखें जो वाइल में लिख रहे थे, फोर में लिख रहे थे, डू वाइल में, तो डू वाइल में क्या होगा, एक बार ज़्यादा प्रिंट होगा वो चीज़, क्योंकि एक बार तो बिना कंडीशन चेक किए प्रिंट कर रहा है। अब वो प्रिंट तो हो गया, उसके बाद में कंडीशन चेक कर रहा है, तो फॉल्स भी हो गई तो क्या हुआ, एक बार तो प्रिंट हो गया, तो हमेशा इसमें एक बार ज़्यादा प्रिंट होता है। इसको हम देखते हैं अभी प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है। तो ये सिंटेक्स आप देख पा रहे हैं, और बिल्कुल वैसा ही हमने लिया है, ए की वैल्यू 10 ली है डू के अंदर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये कोड पहले आ गया, और ये वाइल लूप सबसे नीचे, कंडीशन सबसे नीचे चेक कर रहे हैं, जबकि वाइल और फोर में क्या हो रही थी, यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे थे ऊपर, और कोड उसके नीचे आ रहा था, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा, पहले प्रिंट हो जाएगा उसके बाद में कंडीशन चेक करेंगे। इसको हम रन करवा के देखते हैं। उनमें 11 से लेकर 19 तक प्रिंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, 19 तक ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। प्रिंट तो 19 तक हो रहा है, क्योंकि 20 वाला इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पर, ये इंक्रीमेंट पहले ही कर दिया है, कंडीशन चेक होने से पहले ही कर दिया है।
इसलिए ये 19 प्रिंट कर देगा, फिर 90 के बाद वैल्यू जाएगी 20 और 20 को बाद में कंपेयर करेगा, इसलिए ये आगे नहीं आ रहा है। इसको हम ऐसे कंडीशन चेंज करके देख सकते हैं, जैसे पहले क्या हो रहा था, ए की वैल्यू हम 10 ले रहे थे, और मान लो यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है एडिटिंग करना आपके लिए, लेकिन यहाँ देखते हैं हम ट्राई करके। तो यहाँ पर ए की वैल्यू में 10 ही ले लेता हूँ, अब देखिए क्या होगा। अब अगर फोर और वाइल के अंदर अगर 10 ही ले लेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, 10 इज लेस देन, ए की वैल्यू 10 है ऑलरेडी, तो कंपेयर क्या होगा, 10 लेस देन 10, ये तो गलत है, इसलिए क्या करेगा, लूप से बाहर निकल जाएगा और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो प्रिंट तो कर ही चुका है पहले, ये तो हम चेक तो बाद में कर रहे हैं, इसको चेक तो बाद में कर रहे हैं, तो इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए एक बार तो प्रिंट हो ही जाएगा, जबकि हमें पता है कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो ये वाइल और डू वाइल के अंदर डिफरेंस है, तो हमें जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही हम काम में ले लेते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि वाइल से काम हो जाएगा तो वाइल ले लेते हैं, अगर लगता है कि डू वाइल से ईजी रहेगा तो डू वाइल काम में लेते हैं। तो ये हमारे वाइल लूप फोर और डू वाइल लूप थे, एक इन्फाइनाइट इसमें चलता है कि इन्फाइनाइट करके देखें, तो चलिए हम इन्फाइनाइट करके देख लेते हैं। इन्फाइनाइट के लिए कुछ नहीं करना हमें, हमें ऐसा करना है कि ऐसी कंडीशन बना देते हैं कि कंडीशन हमेशा ट्रू हो। कंडीशन ट्रू होने का तो सबसे अच्छा तरीका तो अपने पास ये है कि जहाँ कंडीशन है उसमें क्या होता है, कंडीशन क्या रिटर्न करती है, ट्रू या फॉल्स। तो हम ये करते हैं कि इसमें सीधा वैल्यू कितना डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। तो वाइल में 1 डाल दिया मतलब कंडीशन हमेशा ट्रू हो गई, ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। तो ये नॉर्मली अपने जो कंपाइलर होता है कंप्यूटर में टर्बो सी प्लस प्लस, उसमें अगर ऐसा करते हैं तो वो फिर प्रिंट करते जाता है, रुकता ही नहीं है, कंट्रोल सी करके उसको रोकना पड़ता है, वो इनफाइनाइट टाइम चलता है। अब ये ऑनलाइन कंपाइलर है, ये देखते हैं क्या करता है। अब इसमें देखिए बीजी बता रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है। अब ये नेट इंटरनेट के कारण बीजी है या कैसे बीजी है उसका पता नहीं चल रहा है। चलिए वापस हम क्या करते हैं, इसको वैसी कंडीशन बना के देखते हैं, यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है बीजी क्यों है। तो वही लिख देते हैं, ए इज हमने वापस वही कंडीशन लिख दी है, इसको वापस एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। तो वही आ रहा है, 19 तक आ रहा है। तो ये आप इसमें एडिटिंग करके अपना हिसाब से प्रोग्राम को मॉडिफाई करके आप आउटपुट देख सकते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग में जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं सीख पाएंगे। तो आप गूगल पर जाके ऑनलाइन C++ कंपाइलर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप प्रोग्राम्स को एडिट करके और उनका आउटपुट देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।